अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने बताए हैं कि दुआ अगर आपकी कबूल नहीं होती है तो दुआ हमेशा ऐसे मांगो, ज़रूर कबूल होगी। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों वीडियो देख के शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दुआ के बारे में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी दुआ कबूल नहीं होती है। लोगों को लगता है कि उनकी दुआ जायज़ नहीं हो रही है। जब भी दुआ कभी भी जायज़ नहीं जाती है। बात यह है कि हमें दुआ मांगने का तरीका नहीं आता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती है। दोस्तों एक बार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक शख्स ने पूछा कि प्यारे अली, मुझे लगता है कि मेरा कोई भी दुआ कबूल नहीं होती है। यह बात सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे, जब भी अल्लाह ताला से दुआ करो तो तीन काम ज़रूर करना। पहला यह कि गायब के लिए दुआ मांगो। जब तुम किसी गायब के लिए दुआ मांगोगे तो तुम्हारे लिए दुआ ज़रूर कबूल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं कि गायब की दुआ गायब के लिए बहुत जल्दी कबूल होती है। दूसरा, जब भी दुआ मांगो तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद को भी दुआ में याद रखो। दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करो। जिस दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ी जाएगी वह दुआ ज़रूर कबूल होती है। तीसरा यह है कि दुआ में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हमेशा याद रखो। जब भी दुआ करो तो उनके लिए ज़रूर दुआ करो। ऐसा करने से रब को आप पर प्यार आता है और वह हर दुआ आपकी कबूल होती है। कुरान करीम में दुआ कबूल होने के चंद अवकात भी बताए गए हैं। वह अवकात यह है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तहज्जुद की औकात में मांगी गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। तहज्जुद का वक्त रात का आखिरी पहर होता है। उस वक्त लोग ख्वाब और गफलत में खोए होते हैं। कुछ लोग बहुत गहरी नींद में होते हैं तो कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तहज्जुद के वक्त आंखें नींद से बोझिल होने लगती है तो उस वक्त अगर कोई बंदा अपनी मीठी नींद को कुर्बान करके अल्लाह पाक से दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। तहज्जुद की नमाज को लाडली नमाज कहा जाता है। इस वक्त अगर कोई भी जायज़ दुआ मांगी जाए तो वह ज़रूर पूरी हो जाती है। यही वो वक्त है जब अल्लाह पाक खुले आसमान में आकर कहते हैं कि कोई मुझसे मांगने वाला है, कोई रोज़ी मांगने वाला है तो मैं उसे रोज़ी अता करूं, कोई मुझसे मगफिरत मांगने वाला है तो मैं उसे मगफिरत अता करूं। उस वक्त जो लोग जाग रहे होते हैं वह अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं और अल्लाह पाक उनकी दुआएं पूरी कर देते हैं। और जो लोग सोए होते हैं वह ज़िंदगी भर शिकवा ही करते रह जाते हैं कि हमारी दुआएँ कबूल नहीं होती हैं। दूसरा वक्त सजदे का है। सजदे की हालत में मांगी गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम किसी के सामने झुकना होता है। खुददार और इज्जतदार लोग कभी भी किसी के सामने नहीं झुकते हैं। ऐसे लोग अपने पेशानी को झुकाना जिल्लत समझते हैं। वह जान दे देते हैं लेकिन कभी किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाते हैं। जिस वक्त इंसान सजदे की हालात में होता है उस वक्त वह अल्लाह पाक के सामने सर झुकाए होता है। अल्लाह पाक को अपने बंदों की यह अदा सबसे अच्छी लगती है और सजदे की हालात में मांगी गई कोई भी जायज़ दुआ ज़रूर कबूल होती है। झुकना अल्लाह पाक को पसंद है। जो झुक गया उसके मुराद को पा लिया। तीसरा वक्त अजान का है। दोस्तों अजान के वक्त मांगी गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। अजान से मुराद उस आवाज़ से है जो लोगों को अल्लाह पाक की तरफ आने के लिए कहती है, जो लोगों को नमाज की तरफ आने के लिए कहती है। अजान नाम ही कामयाबी है। अजान कहती है कि आओ कामयाबी की तरफ। और इस पर इंसान जब लबैक कहता है और अजान का जवाब देता है उस वक्त अल्लाह पाक न सिर्फ इंसान की दुआ को सुनता है बल्कि उसकी दुआ को पूरा भी कर देता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर अच्छी बात और हदीस आपके पास अमानत होती है और अमानत को जितना हो सके जल्दी हो सके दूसरों तक पहुंचा देना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इन बातों को सुनकर सिर्फ अपने तक ही न रखें बल्कि दूसरे तक भी पहुंचाएं। उम्मीद है कि जिन जिन तक यह बात पहुँचेगी वह इस बात का अमल करेंगे और अल्लाह पाक उन्हें तौफीक देंगे कि वह इस अमानत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस्लामिक मालूमात है। जितना आपको हम बता रहे हैं दूसरे को भी आप ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा
अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों हमें आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना हमें प्यार देते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।